आज मैं जा रही हूँ चने का दाल बनाने। चने के दाल को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ पालक, थोड़ा लौकी और थोड़ा प्याज। इन सबको एक में मिक्स करके हल्दी, नमक और हींग डाल करके उबलने को रखते हैं। दाल उबल रहा है तब तक तड़के की तैयारी कर लेंगे। इसमें अदरक लहसुन मिर्चा चॉपर में डाल देंगे और दो मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से चॉप कर लें। अच्छे से चॉप हो गए हैं, अब इसे एक बर्तन भी निकाल लेंगे, तैयारी कर लेंगे। जिसके लिए राई ले लिया है, हींग है, कड़ी पत्ता है, सौंफ है, जीरा है, अदरक लहसुन मिर्चा प्याज को चॉप कर लिया था, दो प्याज कटिंग कर लिया है, दो टमाटर कट कर लिया है। एक पैन में घी को गरम कर लेंगे, घी गरम हो गया है। अब इसमें तड़का हो जाने के बाद में इसमें चॉप किए मसाले डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। दो से तीन मिनट तक मीडियम आंच पे इसे भून लेंगे। प्याज लगभग लाल हो गया है, अब इस पर टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के मिक्स करके सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसाले में जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए ढक करके भून लें। मसाला लगभग भून गया है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। तब तक हमारा दाल चेक कर लेते हैं, हमारा दाल गल गया अच्छे से। इसे कलछुल की सहायता से हल्का हल्का मैश कर लेंगे। मसाला ऑलमोस्ट भून गया है, अब इसमें हल्का सा शुगर डालेंगे। शुगर डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। मसाला भून गया है, हमारा मसाला बिल्कुल भून गया है, अब हम इसमें हमारा दाल ऐड कर देंगे। दाल ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके पहले भी मैंने सेवई उपमा की रेसिपी डाली है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मेरे लिंक पे जाकर के ज़रूर देखें। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए उबाल आने देंगे। इसे उबल गया है, अब इसमें लास्ट में हल्का सा ऊपर से अमचूर पाउडर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और अब गैस को ऑफ कर देंगे। लौकी और पालक की फ्राई दाल बनकर के बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये दाल सच में बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।